एक बुढ़िया थी, उसकी एक बोलेंगे आप लड़की थी, एक लड़की। अब इकलौती लड़की हो तो बड़े लाड़ प्यार में पलती है, और कई बार बहुत ज्यादा लाड़ प्यार बच्चों को जिद्दी बना देता है, उच्छंकल बना देता है, ढीठ बना देता है। पहले दो दो चार चार छह छह आठ आठ दस दस बच्चे होते थे तो बच्चों को बहुत लाड़ प्यार नहीं मिलता था, तो बिगड़ते भी नहीं थे, और अब एक ही, और उसको अगर छींक भी आ जाए तो पूरे हर घर में हंगामा मच जाता है। निवेदन किया जाना चाहिए, विचार किया जाना चाहिए, चिंतन किया जाना चाहिए, ईमानदारी से इस पर विचार किया जाना चाहिए। एक या दो बच्चे होते हैं, जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार होता है, जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार दिया जाता है, और इसकी वजह से वो बच्चे जिद्दी हो जाते हैं, ढीठ हो जाते हैं, उच्छंकल हो जाते हैं, और बाद में माँ बाप की नहीं सुनते। बाप को कहना पड़ता, मैं तेरा बाप कह रहा हूं, तो वो मुस्कुराता है सुन के, तो बाप ही तो कह रहे हो, कोई तोप तो नहीं कह रहे हो। जमाना ऐसा बदल गया, दिल्ली बंबई जैसे शहरों में जाके देखो, कहने को ये बाप और ये बेटा है, मगर सच्चाई ये होगी कि बेटा बाप नजर आएगा और बाप बेटा नजर आएगा। जमाना तेजी से बदल रहा है, रफ्तार से बदल रहा है, यह बदलाव का दौर है, यह बदलाव की प्रक्रिया है, यह बदलाव का दौर है, और बदलाव के इस दौर में ऐसे ऐसे बदलाव भी देखने में आ रहे, परिवर्तन देखने में आ रहे हैं कि बाप कहने को बाप होता है मगर वो वहां बेटा नजर आता है, और कहने को बेटा जो होता है वो बाप दिखाई देता है। मेरा कहा मानो तो बच्चों से लाड़ प्यार जरूर करो, मगर उन्हें इतना लाड़ प्यार भी मत करो कि वो तुम्हारे सिर पे चढ़ जाए। नीतिकारों का कहना है, नीतिकारों का कहना है कि लाड़ प्यार करिए, मगर उसके साथ अनुग्रह भी रखिए और निग्रह भी रखिए। अनुग्रह के साथ निग्रह जरूरी है, ताड़ना भी मिलना चाहिए। अगर ताड़ना ना मिली तो भी बच्चा बिगड़ जाएगा। तो एक बुढ़िया थी, उसकी एक लड़की थी, बहुत लाड़ प्यार में पड़ी तो जिद्दी हो गई, ढीठ हो गई, उच्छृंखल हो गई, अहम और दम उसके हर व्यवहार में झलकता था। बड़ी हुई, सयानी हुई, मां को चिंता हुई, बेटी के हाथ पीले कर दो, और घर की लड़की बड़ी हो जाए, सयानी हो जाए, तो माँ बाप को तो बाद में चिंता होती है, पड़ोसी को पहले चिंता होती है कि भाई बेटी बड़ी हो रही है, क्या कर रहे हो। हाँ, ऐसी चिंता जताता है जैसे शादी में 50,000 रुपए लगाने वाला हो, देने वाला कुछ भी नहीं है, लेकिन बाप को याद दिला दिला करके उसके रात की नींद खराब करना चाहता, उसको टेंशन में देना चाहता, उसको तनाव में देना चाहता, उसको डिप्रेशन में देना चाहता, इसलिए हर 5वें दिन, 8वें दिन, हर 15वें दिन याद दिलाएगा, बेटी बड़ी हो रही और तेरे को कुछ ख्याल ही नहीं है। तो मां को चिंता हुई, चिंता होती है, चिंता होनी चाहिए। कबीरदास जी से कहा कि तुम संत हो, महंत हो, साधु हो, सन्यासी हो, घर में रहते हो, सारे दिन कपड़े बुनते रहते हो, तो भजन कीर्तन कब करते हो। कबीर ने कहा कि भाई काम भी करता हूं, भजन कीर्तन भी चलता रहता है, बाहर का काम भी करता हूं, भीतर भीतर सुमरण भी चलता रहता है। जिज्ञासु ने कहा ना ना ना, ऐसा भी हो सकता है क्या है, मैं तुम्हारे पड़ोसी में रहता हूँ, वर्षों से देख रहा हूँ, कई महीनों से देख रहा हूँ, कई दिनों से देख रहा हूँ, सारे दिन कपड़ों में बनते कपड़े बुनते रहते, जुलाए हो कपड़े बनाते रहते हो, कपड़े बेचते रहते हो, कपड़े रंगते रहते हो, हमने तुमको कभी स्मरण करते नहीं देखा, स्मरण करते नहीं देखा। सारी दुनिया, सारा ब्रह्मांड तुम्हें सन्यासी कहता है, साधु कहता है, तपस्वी कहता है, साधक कहता है, प्रज्ञा पुरुष कहता है, महान पुरुष कहता है, मगर मैं तुम्हारे बारे में जो देख रहा हूँ, जान रहा हूँ,
मैंने तुम्हें कभी स्मरण करते नहीं देखा, स्मरण करते नहीं देखा, ये पूजा पाठ करते नहीं देखा, जप करते नहीं देखा, तप करते नहीं देखा, तो तुम कैसे सन्यासी हो, कैसे साधक हो, कैसे प्रभु के पुजारी हो। कबीर ने कहा, बाहर का काम भी चलता है और भीतर का काम भी चलता रहता है। नौजवान ने कहा, हम इस बात को नहीं मानते हैं, आप हमको बताइए, समझाइए किस तरह है। कबीर ने कहा, एक लड़की बड़ी होती है, सयानी होती है, माँ बाप को उसके विवाह की चिंता होती है, अच्छा घर अच्छा भर ढूंढ करके अपनी बेटी का विवाह कर देते हैं। बेटी विदा होकर के ससुराल जाती है, चार दिन ससुराल में रहती है, पांचवे दिन वापिस आती है। अब कबीर उस नौजवान से पूछता है कि बताओ, वो लड़की जिसकी अभी अभी शादी हुई, चार दिन ससुराल में रह करके वापिस अपने पियर में आकर के बैठी है। तो कबीर कहता, बताओ, वो लड़की पियर में है मगर उसका दिल कहाँ है, उसका मन कहाँ है, उसका ध्यान कहाँ है? आप में से बताएगा कोई? बोल, हाँ, ये बोल रहे हैं ससुराल में, जैसे इनको एक्सपीरियंस हो।